दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर साइंस कॉलेज बिलासपुर से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो आज जो है 16 अगस्त को ओपन काउंसलिंग होनी है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है 11 से 12 बजे तक जितने भी यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुए हैं, उनको जो है कैटेगरी वाइज ST SC OBC जिनकी कैटेगरी वाइज, इनको 11 से 12 बजे तक एडमिशन दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले को। उसके बाद 12 से 1 बजे जो इनके एडमिशन होने के बाद जो सीटें खाली रहेगी उन पर जो है यहाँ पर एडमिशन उनको दिया जाएगा आरक्षित सीटों के रिक्त स्थान पर जो है परिवर्तन करते हुए उनको श्रेणीवार एडमिशन दे दिया जाएगा। फिर 12 से 1 बजे के बाद जो एडमिशन होगा उसके बाद भी जो सीटें खाली रहेगी तो 1 बजे से यहाँ पर ओपन काउंसलिंग होगी। सभी जो कैटेगरी है उनके लिए ये जो है खोल दिया जाएगा और जो एडमिशन के लिए जो सीटें खाली है उसमें सभी को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा जितनी भी सीटें खाली रहेगी। तो ये 1 बजे जो है ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 बजे के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, 1 बजे के पहले ही आपको पहुँच जाना है। आप 10:30-11 बजे वहाँ पर परिसर में चले जाइए ताकि आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सबसे पहले जो लोग भी वहाँ पर जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पर मेरिट लिस्ट निकालने के बाद वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो 1 बजे के बाद वहाँ पर एंट्री तो वैसे भी बंद कर दी जाएगी, और अगर आप बिना एडमिशन फॉर्म के वहाँ पर जाएंगे, गेट पर ही वहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो एडमिशन फॉर्म जो कि आपने कॉलेज का ऑनलाइन भरा था उसका हार्ड कॉपी या फिर जो भी हार्ड कॉपी तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तो उसको वहाँ पर दिखाइए गेट पर, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं रूम नंबर यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट को कौन कौन से रूम नंबर में जाना है। सबसे पहले UG का देखते हैं, तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप वाले रूम नंबर 1 में जाएंगे। बायोलॉजी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री वाले रूम नंबर 2 में जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी और BZ एंड केमिस्ट्री है ना, तो वो लोग रूम नंबर 3 पे जाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी और बायो और जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले रूम नंबर 4 पर जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी और मैथ वाले रूम नंबर 6 में जाएंगे। फिजिक्स, IT और मैथमेटिक्स, BCA वाले रूम नंबर 8 पर जाएंगे, और PGDCA वाले ऑडिटोरियम में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद PG लेवल में देखते हैं, तो मैथमेटिक्स वाले रूम नंबर 5 में जाएंगे, फिजिक्स वाले अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, और माइक्रोबायोलॉजी वाले UG लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि 16 अगस्त को यानी कि आज ही है 1 बजे से ये ओपन काउंसलिंग होने वाली है। तो सभी दोस्तों को इसको शेयर करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।